नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं tokchan.com। हम कोरोना महामारी के नए और खतरनाक चरण में हैं, ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आखिर क्यों विश्व स्वास्थ्य संगठन को ऐसी चेतावनी हम सभी को देनी पड़ी? क्या रहा इस हफ्ते देश दुनिया में कोरोना का हाल? आइए जानते हैं तोपचंद के इस साप्ताहिक रिपोर्ट में। दिन महीनों में बदलते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,96,182 हो गई है। वहीं कुल मौतों की संख्या बढ़कर 12,970 हो चुकी है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या इस हफ्ते बढ़कर 87,67,000 हो चुकी है। वहीं कुल 4,62,691 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। विश्व में देशों की रैंकिंग सूची देखें तो अमेरिका इस हफ्ते भी पहले स्थान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां 10 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। तीसरे स्थान पर रूस है, जहाँ 5,69,000 संक्रमित केस हैं। वहीं इस हफ्ते भी भारत चौथे स्थान पर है, जहाँ संक्रमितों की संख्या अब भी अपनी रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो भारत में 2,14,209 संक्रमित व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। अब तक कोविड-19 के 67 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 24 घंटे में 1,89,469 टेस्ट किए गए हैं। देश में जांच लैब की संख्या अब 960 है, 703 सरकारी और 257 निजी लैब हैं। राज्यों का हाल देखें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक 1,20,504 केस हैं और यहां 5,751 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां 52,334 केस हैं। तीसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली है, जहां 49,969 एक्टिव कोरोना केस हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी का प्रसार अब तेजी से हो रहा है, जिसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता भी बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है, हम नए और खतरनाक चरण में हैं। महामारी को रोकने के लिए उचित कदमों की अब भी आवश्यकता है। अनेक लोग घर में रहने से निराश हैं और देश में अपने समाज को खोलने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन वायरस अब भी अपनी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और हाथ धोने जैसे कदम अब भी महत्वपूर्ण हैं। वैक्सीन की बात करें तो बहुत से देश अभी भी इसे बनाने की कोशिशों में लगे हैं। इस विषय में हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन बनाना एक बेहद कठिन काम है और इसमें बहुत सी अनिश्चितता भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत अलग अलग उम्मीदवार और प्लेटफॉर्म हैं। लगभग 10 उम्मीदवार मानव परीक्षण के चरण में हैं और इनमें से कम 3 उम्मीदवार उस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक वैक्सीन का प्रभाव साबित होता है। जल्द ही हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे। करीब 3 महीने पहले कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, लेकिन आज भी वायरस के फैलने की रफ्तार घट नहीं रही है, ना उपचार के कोई साधन सामने आए हैं। देश प्रदेश के इलाके सावधानी के साथ खोले जा रहे हैं, लेकिन जहान के साथ जान का डर अब भी लोगों के मन में है। इसलिए सावधानी बरतें और कोरोना से बचें। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए tokchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।